और चलिए अब सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील गोरखपुर से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुशील, अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए आयुष, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शुभावती शुक्ला जी मौजूद हैं। इनके पति काफी दिनों से बीजेपी में थे, उपेंद्र शुक्ला, और आज शुभावती शुक्ला खुद मैदान में है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हम उनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम, आज आप समाजवादी पार्टी के जो है पार्टी से आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ चीजों को लेकर के आप मैदान में हैं, और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जल जमा है, ट्रैफिक है, यही सब है। 4 महीने पहले देखे थे ना, यहाँ नाव चल रही है, पूरा परेशानी सबको, जनता को कितनी परेशानी, कोरोना हो गया, सबकी परेशानी ज्यादा देखते हैं। बहुत ज्यादा सब मिला है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दे रहे हैं हमको। हम जा रहे हैं दरवाजे पर, सबको गए, हमको बहुत सम्मान दिए, अभी सम्मान दे रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आपके पति यहाँ से बीजेपी से काफी दिनों से बीजेपी में रहे हैं, क्या वजह थी कि आपको समाजवादी? उनको पति का उपेक्षा हुआ, हमारे पति को, और उसके बाद उनके देहांत के बाद हमारे घर कोई पूछने नहीं आया कि बच्चे कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। 4 महीने के पहले मेरा बच्चा बड़ा वाला मर के बच्चा सबसे कहा कि हम कोई इलाज कराते हैं, कोई नहीं बोला। यह मृतक काशी का पार्टी नहीं है, यह कह करके हमारे बच्चों को, हमको सबको हटा दिया। जो हम जब अखिलेश जी के पास गए, तुरंत हमको सम्मान दिए, कहें माँ तुम्हारे 2 बेटे नहीं है, 3 बेटा अखिलेश, तुम परेशान ना हो, हम करेंगे। वो जीत रहे हैं, हम दिखा के दिखाएंगे जीत के सम्मान। हम बहुत अच्छा नजर आ रहा है, हम जीत रहे हैं। जनता से भाई यही सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, अब यही है। हम जल जमा का करेंगे, निकाल यह जो यह जाम तो देख ही रहे हैं चारियो, उसका निस्तार करेंगे, दूर करेंगे। तो देखा आयुष आपने कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं शुभावती शुक्ला ने कहा है कि पूरी तरीके से जनता उनके साथ है और पूरा उनको समर्थन मिल रहा है, और डोर टू डोर वो कैंपेनिंग भी पूरे चुनाव काल में उन्होंने किया है, और अभी सभी बूथों का जाके वो निरीक्षण भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल।